With each sip from your lips. जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अपनी पूरी भारत की बहुजन समाज को बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुजन समाज कहीं भटक गया है, बहुजन समाज। हाँ, मैं मानता भर के 85% लोग हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं बहुजन समाज? वो मैं मानता हूँ, जब विचार बदलते हैं ना तब ऐसा होता है। हमारा किसी टाइम में सर छोटू राम और अम्बेडकर साहब, जो साइमन कमीशन आया लाहौर में बैठे थे, वो फोटो मेरे पास में है। तो सर छोटू राम ने ये पंजाब बहुत बड़ी स्टेट थी, 176 मेंबर बने थे, उसके वजीर बना था, और उसने बहुत बड़ी समाज क्रांति करी थी। तो हम उसको, मैं उसी वंशज का हूँ, वही का रहने वाला हूँ, ठीक है। और मैं उस महीने से डॉक्टर रिपोर्ट के घटना में चल रहा था, अब उनके धरने को खास कर दिया गया है और उनके धरने पर पथराव हो रहा है और न्याय नहीं मिला है, क्या कहेंगे आप बुजुर्ग समाज? क्या कहें, वो तो डॉक्टर ऋतु है। हाँ। एक कुछ दिन देखो, जाओ आपको भी उठा के फेंकेंगे, शांति करो, आपको भी उठा के फेंकेंगे। आपके रहते हम, अरे वो भाई राम के सामने हाथ जोड़ो, राम रोकेगा तुम्हारे को, फेंक देंगे तुमको भी। हम कोई बोलनिया नहीं मिलेगा, कोई बोलनिया नहीं मिलेगा, ना को सुनवाड़िया मिलेगा, खाली रहेंगे तो जो मोदी के पत्रकार वही रहे, सोशल मीडिया का तो खत्म करने को जा रहे हैं। मोदी मीडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, सब मोदी मीडिया को सपोर्ट करते हैं और सभी उसी का प्रचार करते हैं। भाई सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, भाई जो दिखेगा वही दिखेगा, यहाँ तो दिखाई दे रहा है मोदी मोदी, तो भाई सब प्रचार मोदी मोदी कर रहे हैं तो मोदी दिखाई देगा। भाई मोदी जो है 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रहा है, तो नाम किसका ले ये तो बताओ, नाम किसका ले? भाई ऐसा है, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा और सब बहुजन समाज को इकट्ठा कर ले जाएगा। तो देखा हुआ रहे यहाँ तो सभी समाज समाज के जो हमारे गरीब, कहीं वहाँ तो अयोध्या नहीं बुला लिया प्राण प्रतिष्ठा के ना, वहाँ तो ट्रेन समाज के लोगों ना, वहाँ तो ट्रेन बंद करा के मना कर दिया, यहाँ बताओ बहुजन समाज का तो उन्होंने उनके बहुजन समाज का तो शांति कर दो, बहुजन समाज के तो चंदा दिया था ना मेघवाल समाज ने राजस्थान से, और धोबी समाज ने, उनका तो पैसा भी वापस कर दिया। भाई तुम्हारा भोग नहीं लगेगा भगवान के, तो बहुजन समाज को तो बैन कर रखा है, पर इनके समझ में नहीं आओगी, जब समझ में आओगी इनके इनके पिछवाड़े में फिर झाड़ू बनेगी, तब समझ में आएगी, तब ये रोवे पीते जब वक्त बीत जाएगा। फिर वो कहते हैं ना कहावत कही थी, इससे ज्यादा क्या होगा, घोड़ी पे तुम्हें नहीं चढ़ने दिया जाता, मुंह से तुम्हें रखने का अधिकार नहीं है, और इतना अरे पानी तुम पी नहीं सकते विशेष समुदाय को, अरे बाबा साहब की दया से कुछ लोग नौकरी लग रहे हैं और वो खा के आराम से सो रहे हैं इसी में, ठीक है। उनको ये याद नहीं तुम्हारे वक्त साथ में क्या हुआ था। मैं जाट समुदाय से हूँ, ठीक है, और जाट समुदाय भी एक हरियाणा का तो कुछ बदला है, बाकी यूपी वाला का तो वो भरोसा नहीं, उन्हें तो मुसलमान ना गटर बैठा हुआ एयरपोर्ट ले ले, वो क्या करेंगे वो उनकी भगवान जाने। तो जब अखिलेश को ये अखिलेश को जब उसका ऑफिस धुआ लिया, जब उसका समझ में नहीं आई, जब भी समझ में नहीं आ लिया अब तू शुद्ध है यादव समाज का, तब भी समझ में नहीं आया हम शुद्ध है। एक वो है बाबा बैठा है यादव समाज का, वो कह रहा है वो भी सीखी ऐसी तैसी, वो तो ब्राह्मण बन गया, ब्राह्मण ये सब भी बन जाए, ब्राह्मण बन जाएंगे, कुछ कुछ बन जाएंगे। हाँ आखिर डॉक्टर रितु को 4 महीने हो गए, इंसाफ कब मिलेगा? अरे किसको मिला है, डॉक्टर लक्ष्मण यादव को मिल गया, वो चला गया, ये भी निकल जाएगी ऐसे, क्या करे हाथ हाथ रख के बैठ जाएगी। नहीं भैया ऐसा है, जो समझदार है वो तो आएंगे और भाई पेटेंगे, ये पुलिस बस में बैठा के ले जाएगी, बस में बैठेंगे, अगर बंद करके डालेंगे तो बंद करके भी। आज आप पिटने और बंद होने के लिए आए हैं? बिल्कुल तैयार हैं। तो आप पिटने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है भाई, मैं ये कह रहा हूँ पढ़े लिखे आईएएस आईएएस आईपीएस क्लास 1 कहाँ है आज? डॉक्टर रितु जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर डॉक्टर रितु ही खाली है क्या? उनके धरने में एक भी प्रोफेसर डॉक्टर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अरे कहाँ से दिखाई देगी, वो तो उन्हें मालूम नहीं ना हमारे साथ में क्या होता था, हमारे जाट समुदाय को ये नहीं मालूम तुम्हारे के पैर में से गाड़ी भर के ले जाते थे ना, आज वो तो सर छोटू राम की बदौलत बचे हैं, उनको वापस जमीन मिली है,
वो भी भूल भाल गए, सब भूल रहे हैं और वो भी लग रहे पीछे। मैं तो फिर समाज को, बहुजन समाज के लोग क्या मैसेज देंगे आप यहाँ? भाई हम तो देख भाई मैसेज दे रहे हैं, सभी को समझा रहे हैं, किसी के समझ में आती है ठीक है, ना समझ में आओ तो हम क्या करें भाई, हमारा जो ड्यूटी है बता रही। और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं नौकरी भी नहीं लग रहा हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ मैं, पर किताबें पढ़ी मैंने, पेरियार जी की किताब पढ़ी है, ज्योतिबा फुले की किताब पढ़ी है, और भाई सर छोटूराम की पढ़ी है, अम्बेडकर जी की पढ़ी है, बाबा साहब काशीराम जी की किताब पढ़ी है, वो पढ़ क्या, वो कब किताब पढ़ी है हमने, वो सिलेबस की किताब नहीं पढ़ी, 76 का हो गया। हाँ आपको अब राम मंदिर जाना, दर्शन करके स्वर्ग प्राप्ति होगी, अब जाएंगे नहीं क्या? ऐसा है, अगर पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा होती तो अटल बिहारी में भी कर लेते, और मोदी जी भी अपनी माता के उसमें कर लेता प्राण प्रतिष्ठा। अरे जी आदमी में तो होती नहीं प्राण प्रतिष्ठा, पत्थर में होगी, ये अंधविश्वास है, अंधभगत है, और ये कितने दिन में अंधभगत बने रहेंगे। हाँ जाएंगे जाएंगे वहां से, फिर दूत मार के भगाएंगे, वो सोमवार आज ने कहा था प्रचार हो रहा है राम मंदिर का, क्या बड़ा घटना करवाएंगे, होने वाला है क्या लगता है? हो सकती है बड़ी बड़ी घटना, कोई वो नहीं, क्योंकि कोई मिश्रा वश्रा उसे बम फकवा देंगे उड़े भीड़ में और कह देंगे मुसलमान फेंक गया है, बस ये है इनका और कुछ नहीं, मुसलमान हिंदू और मुसलमान बनाकर ना अपना वोट लेने हैं। चुनाव जरूरी नहीं किया जितवाड़ा, उनके पास मशीन है, उनके पास मशीन है, उन्हें मालूम है हमारे ईवीएम है, उनके पास मशीन है, उसको मालूम है शिवराज चौहान के कहने से वोट नहीं मिली, वो मशीन से मिली है, वो सुंदरा के कारण वोट नहीं मिली, वो ईवीएम से मिली है, इसलिए उनको कहा फेंक दिया, वो भी तो ओबीसी ना, कहाँ वो ओबीसी, जब ओबीसी थे सत्ता में थे उस टाइम तो काम करे नहीं, और पीछा क्या करें, अंडे दूध बचाते, और आज के टाइम में 90% नेता, 90% नेता ऐसे हैं जो समाज के लिए लड़ रहे हैं, नहीं तो ना उसका 90% सत्ता के लिए लड़ रहे, 10% ही नेता है जो समाज के लिए लड़ते हैं, तो सुधार कहाँ होगा? और 131 है।